हेलो फ्रेंड्स, आज हम बैक नेक डिज़ाइन सीखेंगे ब्लाउज़ का। तो इसको सीखने के लिए आप मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले हमने बुकरम पे कटिंग करनी है। तो बुकरम की जो लेंथ लेनी है वो हमने 12.5 इंच ली है, ठीक है। तो इसकी जो चौड़ाई लेनी है वो हमने 3.5 इंच ली है, ठीक है। इस तरीके से हमने निशान लगा लेना है और नीचे नीचे वाली साइड में भी 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से इस लाइन को हमने सीधा कर लेना है, ठीक है। अब हमने शेप देनी है डिज़ाइन की, जो जो डिज़ाइन हमने बनाना है वो हमने शेप देनी है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप शेप देंगे और ये मैंने शेप दे दी। अब इसमें हमने 2 इंच का जो गैप है वो रखना है, इस तरीके से निशान लगाएंगे 2 इंच का, ठीक है। इस तरीके से हमने 2 इंच का निशान लगा लिया, बीच में जो गैप रखा है डिज़ाइन बनाने के लिए। अब इसकी कटिंग कर देंगे, ठीक है। ये बहुत ही आसानी से ये डिज़ाइन बन जाता है और इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये कटिंग मैंने कर दी है। अब ये वाला जो पीस है इसको आपने फेंकना नहीं है, ठीक है। ये वाले पीस को फेंकना नहीं है, इसी से डिज़ाइन बनेगा। और जो हमने 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए नेक की कटिंग कर ली है, अब इसको हमने कपड़े के ऊपर पेस्ट करना है इस तरीके से, जैसे बाकी जो नॉर्मल हम गले फिक्स करते हैं उसी तरीके से हमने इसको फिक्स करना है, ठीक है। अब इसको इसका हमने सेंटर बना लेना है इस तरीके से, कट लगा लिया। अब मार्क से भी इसको इस तरीके से लाइन लगा देंगे ताकि इसका सेंटर हमें पता चल सके। अब जब ब्लाउज़ का जो बैक नेक है उसका भी सेंटर बनाते हुए इस तरीके से हम स्टिचिंग कर लेंगे, ठीक है। और जो नेक है उसके साथ साथ बिल्कुल स्टिचिंग करनी है, और साथ में ही हमने डोरी भी रख देनी है, डोरी हमारी अंडरग्राउंड हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने स्टिचिंग कर ली और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे, ठीक है। कट करने के बाद हमने कॉर्नर में कट लगा देने हैं, जहाँ भी जितने भी कॉर्नर हैं उसमें कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद इसको हमने पलटा लेना है और पलटाने के बाद ऊपर से हमने टॉप स्टिच लगा देना है, ठीक है। इस तरीके से हमने टॉप स्टिच लगा दिया और इसके ये देखिए हमारा नेक रेडी हो गया है। अब हमने पट्टियाँ बनानी है। ये चौड़ी पट्टी ली है हमने, 2 इंच के करीब चौड़ी पट्टी है, इसको हमने जॉइंट कर लिया, लंबी सी पट्टी बना ली, ठीक है। फिर हमने इसके ऊपर ऐसे स्टिचिंग करनी है, सीधी पट्टी बना लेनी है, फिर इसको सीधा करना है नीडल की सहायता से। तो ये देखिए पट्टी भी मैंने पलटा ली है, ठीक है। और ये जो हमने डिज़ाइन कट किया हुआ था, जो पट्टी साइड में रखी थी बुकरम की, उसके दोनों साइडों में 1/2 इंच एक्स्ट्रा ये जो पट्टी है कट करनी है ताकि हमारे दबाव में आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पट्टियाँ कट कर लेनी है, ठीक है। ये पट्टियाँ मैंने कट कर ली। अब ये जो पट्टी हमने साइड में रखी हुई थी इसको पेपर के ऊपर इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है, जैसे जैसे इसकी शेप है उसी तरीके से हमने इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। अब सेंटर में हम इस तरीके से पट्टी लगाएंगे, 1/2 इंच ऊपर और 1/2 इंच नीचे की तरफ ये पट्टी का दबाव रहना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हमने सारी पट्टियाँ सेट कर लेनी है और सेट करने के बाद जहाँ जहाँ हमने जो मार्क किया हुआ था डिज़ाइन का, उसी मार्क के ऊपर ऊपर हमने इस तरीके से सिलाई लगानी है, ठीक है। 1/2 इंच हमारी जो पट्टी है दोनों साइड से मतलब निकलनी चाहिए, सिलाई में दबाव में आनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने सारी पट्टियाँ स्टिच कर लेनी है, ठीक है। और ये देखिए ये पट्टी मैंने स्टिच कर ली, और दूसरी साइड से भी आपने ऐसे ही पट्टियों को अच्छे से सेट करते हुए ऊपर सिलाई लगा लेनी है। जहाँ पे हमने डिज़ाइन का मार्क किया हुआ है बिल्कुल उसी के ऊपर ही सिलाई लगानी है इस तरीके से, ठीक है। तो पट्टियों को सेट करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है, ठीक है। एक बराबर डिज़ाइन आपका बनना चाहिए, पट्टी मतलब गैप उनका बराबर ही होना चाहिए, इस तरीके से आप सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है, ठीक है। अब जो नेक है हमारा, तो इसके ऊपर हम जहाँ जहाँ हमने सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसी के ऊपर आपने इस तरीके से नेक को रखते हुए सिलाई लगानी है, ठीक है। जैसे हमने मार्क किया हुआ था ना, जो मार्का से मार्क किया था उसी के ऊपर ऊपर आपने इस तरीके से सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से आपने प्रॉपर गले को सेट कर लेना है, और सेट करने के बाद ही आप सिलाई लगाएंगे। और दोनों साइडों से आपने पहले आप रेप पट्टी कट करेंगे, और कट करने के बाद इस तरीके से आपने ये जो ऊपर वाली साइड की पट्टियां हैं उनको आपने स्टिच करना है, और रेप पट्टी जैसे हम नेक बनाते हैं ना और रेप पट्टी लगाते हैं उसी तरीके से आपने
इनको भी ऐसे मतलब उरे पट्टी के साथ इस नेक को सेट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे उरे पट्टी लगा दी और छोटे छोटे कट लगा देंगे बीच में, और पट्टी को इस तरीके से मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद ऊपर वाली साइड में इसको सिलाई कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से कपड़े को मोड़ते हुए अच्छे से फिनिशिंग से इसकी सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए, ये पट्टी भी हमारी लग चुकी है, ठीक है। सिलाई एक बराबर आनी चाहिए आपकी, बड़ी छोटी नहीं होनी चाहिए। तो फिर हम साइडों से, दोनों साइडों से इसको स्टिच कर देंगे, पट्टी को अच्छे से स्टिच कर देंगे। ऊपर वाली साइड में लैस भी लगाएंगे हम, ठीक है, तो और भी ज़्यादा फिनिशिंग आ जाएगी। तो इस तरीके से दूसरी साइड में भी हमने इसको स्टिच कर देना है, पक्की सिलाई लगा देनी है ताकि गला हमारा खुले नहीं, ठीक है। जो डिज़ाइन हमने बनाया हुआ है अच्छे से सिलाई लगा देंगे, पक्की सिलाई लगा देंगे। फिर ऊपर से हमने लैस लगानी है, ठीक है। इस तरीके से मैंने गोल्डन लैस ली और इसको हमने इस तरीके से घुमाते हुए लगा देंगे। तो ये देखिए, लैस भी मेरी लग चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो बाकी रहता डिज़ाइन है उसको कंप्लीट करना है। बीच वाली पट्टियों में हमने मोती लगाने हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको पिरोएंगे, मोती दो तीन टांके पहले ऐसे ही लगाएंगे, उसके बाद हमने मोती को पिरोना है, ठीक है। आप बड़े मोती भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये मीडियम साइज़ के मोती लिए हैं, छोटे से, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको एक लगा करके बताती हूँ। इस तरीके से आपने लगाना है, दो तीन बार मोती के मतलब अंदर से घुमाते हुए सुई को लेके जाना है। तो ये एंड वाला भी मैं आपको बता दूँ, इस तरीके से आपने स्टिच करना है। दो तीन बार ऐसे करेंगे और फिर से मोती को लगाएंगे, फिर से मोती के अंदर की साइड में सुई को करके इस तरीके से पक्का कर देंगे। तो ये देखिए, डिज़ाइन मेरा बन के रेडी है, ठीक है। और जो बैक में हमने जो पेपर लगाया था उसको भी निकाल देंगे इस तरीके से, और ऐसे हमारा जो नेक है वो बनके तैयार हो जाता है। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखिए, ये नेक हमारा बनके रेडी है। तो आपको मेरी वीडियो